देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। रोडवेज बस ने ऑटो में मारी टक्कर, 6 सवार की मौत, 3 सवार की हालत गंभीर। जनपद में एक तेज रफ्तार सरकारी रोडवेज का कहर सामने आया है, जहां बांदा डिपो की रोडवेज बस कानपुर से बांदा आ रही थी, उसी दौरान रोडवेज बस की गति अधिक थी, उल्टी साइड जाकर बस ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टेम्पो में सवार 9 लोग घायल हो गए। जानकारी के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ घायलों को टेम्पो से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया और 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया। आपको बता दें, मामला देहात कोतवाली के चंद कदम की दूरी से सामने आया, जहाँ बांदा डिपो रोडवेज बस कानपुर से बांदा आ रही थी। तेज रफ्तार रोडवेज बस के चालक ने गलती करते हुए बांदा की तरफ से आ रही टेम्पो को उल्टी साइड जाकर टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेम्पो अनियंत्रित होकर रोड के किनारे जाकर पलट गया। टेम्पो में सवार 9 लोगों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायलों की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने कानपुर रेफर कर दिया। सड़क हादसे की जानकारी मिलते जिले के आला अधिकारी घायलों का हालचाल देखने जिला अस्पताल पहुंचे हैं और पूरी घटना की जानकारी लिया। घायलों के उपचार के लिए चिकित्सक से वार्ता की। घटना में मृतकों के शवों को पंचायतनामा भरकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। टेम्पो सवार सभी लोग बांदा शहर से बाजार करके अपने घर पपरेंदा और पेलानी की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। बांदा देहात कोतवाली के जमालपुर के पास रोडवेज बस और ऑटो में भीषण टक्कर से हुई 6 मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल अस्पताल पहुंचने और घायलों की हर संभव मदद के साथ ही उन्हें बेहतर उपचार सुलभ कराए जाने के निर्देश दिए हैं। ये थी बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। ये चिल्ला रोड पर वही 7:30 बजे के आसपास एक रोडवेज की बस बांदा डिपो की और एक थ्री व्हीलर हेडऑन कोलाइजन हुआ, उसके कारण जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल उसमें बची हुई है। अभी यहाँ वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में का उपचार चल रहा है और एक घायल को, जो कि हमारी आशा भी थी, उनको कानपुर रेफर कर दिया गया है। कुल कितने लोग थे सर टेम्पो में? कुल 9 लोग। अभी ना होगी तब आपको पता चलेगा। कितने सवार थे सर? जी अभी कुल 9 लोग थे। ये अभी कोतवाली देहात का थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ बस और टेम्पो के बीच में, उसमें जो है 6 लोगों का मृत्यु हो चुका है और ये बेसिकली कुछ 3 लोग अभी घायल है गंभीर रूप से, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो अभी इसका इलाज चल रहा है। एक जो है कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया, तो इनका स्थिति तो ठीक ही बता रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात हुई है। और ये कोतवाली देहात का पास में जो है जमालपुर के छल्ला रोड पर पड़ता है, जमालपुर के पास में हुआ ये घटना, तो बाकी कार्रवाई किया जा रहा है। एक्सीडेंट का मामला क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ी दर्दनाक घटना है, दुर्घटना है और जिनके परिवार में घटना घटी उनके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है। बड़ी लापरवाही से रोडवेज वाले ने टक्कर मारी और उनको वापस बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारी शासन से मांग है तो प्रत्येक मृतक को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। लापरवाही आप किसकी मानते हैं? देखिए, लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ी की मानी जाती है, रोडवेज वाले की, और ऐसी बसें चल रही हैं ना जिनमें ब्रेक है ना कुछ है। ये बड़ी विचारणीय प्रश्न है कि बहुत पुरानी बसें अभी चल रही हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही रोडवेज में इतनी बसें चल रही हैं, खराब हैं उनका क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की मरम्मत होनी चाहिए या इनको जो है जो एक्सपायर हो चुकी है उनको हटा देना चाहिए, उनको रोड में नहीं चलने देना चाहिए। और जो भी बसें चल रही जो उनको चेकिंग होकर चलना चाहिए, जो रूटीन पे नहीं होता, ये बहुत बड़ी लापरवाही होती है रोडवेज पर। पूरे हादसे में कितने की मौत हुई, कितने घायल? अभी लगभग 6 लोगों की मौत की जानकारी है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट का क्या मामला है पूरा?
ये एक्सीडेंटल के यहाँ पे मामले आए हैं, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और यहाँ पे 3 लोगों को काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में बांधा लाया गया है, जिनका यहाँ पर उपचार चल रहा है। इसमें से एक छोटी बच्ची है करीब 5 साल की, एक महिला और एक पुरुष है। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ।